जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल मिशन वर्दी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, आज की क्लास में मैं आपको उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान कराने वाली हूँ। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। और जो लोग पूछते हैं कि हम कैसे पढ़ें, स्टार्टिंग कैसे करें, ऐसे स्टार्टिंग करें, ठीक है। और पूरी गारंटी लेती हूँ कि इस क्लास में ही आपको याद कराने की कोशिश करूँगी, बशर्ते आपको मन लगा के पढ़ना है। जो पढ़ाऊँ वो नोट डाउन करना है, ठीक है। नोट्स बना लेना, क्योंकि नोट्सों से ये फ़ायदा रहता है कि अगर हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एक दो दिन पहले रिवीजन कर जाते हैं। अगर हम नोट्स नहीं बनाते तो रफ़ कॉपी में लिखना तो फिर बेस्ट ही है, क्योंकि रफ़ कॉपी में हम तीनों चारों सब्जेक्ट को सॉल्व करते हैं ना, तो नोट्स इम्पोर्टेंट हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान है, UPGK क्लास एक मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं उसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। अब हमें क्षेत्रफल ही नहीं पता, हम कर रहे हैं बड़े बड़े क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की मिट्टी के बारे में कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या प्रथम स्थान पर है उसके बारे में कर रहे हैं। सबसे पहले जहाँ रह रहे हैं उसका परिचय आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारा वो परिचय ही तो लेते हैं, इंटरव्यू ही तो लेते हैं, उसके बाद वो कुछ पूछते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे मैथ हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, चाहे आपकी UPGK हो, कुछ भी हो, ठीक है, इंटरव्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपका इंटरव्यू है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 240,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 240,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, तो आप बता दोगे 7.33% है। ये हम कैसे निकालते हैं ये भी बता देती हूँ। देखो, उत्तर प्रदेश का रखिए, कितना हो गया 240,928, ठीक है, बट्टा में टोटल रखिए आप, भारत का क्षेत्रफल रखिए 32,87,263 x 100 कर दीजिए, तो आपका ये जो परसेंट है ये परसेंट आपका निकल आएगा। समझ गए ना, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आप बता दोगे 7.33% है, ठीक है। अब आपको ये तो पता लग गया कि जिस उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, कितना है 240,928 वर्ग किलोमीटर। और अपने जो भारत है, अपना जो भारत है उसका क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 किलोमीटर, ठीक है। समझ गए, अच्छे से समझ आया। और यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 7.33% है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और अपने यूपी का स्थान कौन सा है, ये भी तो पता होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान है, इसने ये पूछा है, ठीक है। जिस उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं उसका कौन सा स्थान है, तो आप बता दोगे चौथा स्थान है, फोर्थ नंबर है, ठीक है। सबसे पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, फिर MP, महाराष्ट्र, फिर अपना UP है, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है आपका सीमावर्ती प्रदेश। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो क्या है, लिख लीजिए। यूपी की जो राजधानी है, ये जो नोट्स बनाने हैं ना, उस नोट्सों में आपको सब कुछ लिखना है, लखनऊ है, ठीक है। और मेरे द्वारा पूरी कोशिश की जाएगी कि मैं आपको UPGK पूरी करा दूं, इसी में मैं यूपी की जो करेंट अफेयर है उसको लेके चलूंगी, ठीक है, यूपी की करेंट अफेयर मैं लेके चलूंगी, ठीक है। और भारत की जो राजधानी है वो क्या है, भारत की राजधानी नई दिल्ली,
क्या है? उत्तराखंड का जो उत्तर प्रदेश से विभाजन हुआ था कब हुआ था और इसका जो उस समय नाम था वो क्या था? ठीक है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि उत्तर प्रदेश से, आपको ये तो पता है कि उत्तराखंड का विभाजन हुआ था, है ना? कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उत्तराखंड का विभाजन 9 नवंबर 2000 को कर दिया गया था। एक नए राज्य के रूप में उत्तराखंड का अस्तित्व आया था। ठीक है, कब आया था? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, गठन के समय, जब इसका गठन हो रहा था उस समय, इस समय इसका जो नाम था वो था उत्तरांचल। क्या नाम था? उत्तरांचल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। यूपी में टोटल जिले कितने हैं? 75 है ना, ये भी पता होना चाहिए। कुल कितने जिले हैं? कुल जिलों की संख्या 75 है। ठीक है, कितने जिले हैं? 75। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो राज्यों को टच करता है उसका नाम है सोनभद्र। चार राज्यों को टच करता है ये, कौन कौन से वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक है आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। ठीक है, सोनभद्र चार जिलों को टच करता है, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन, सबसे ज़्यादा सीमाओं को टच करने वाला जिला कौन सा है यूपी का? सोनभद्र है, चार राज्य को टच करता है। ठीक है, सीमावर्ती देश, देश आ गया अब। ठीक है, तो वो है नेपाल। ठीक है, समझ गए ना, कौन सा देश यूपी की सीमा को टच करता है? नेपाल। ठीक है, सात जिलों को टच करता है, यूपी के सात जिलों को, उनका नाम मैं बता दूंगी, देख पा रहे हैं ना, इनमें नाम लिखूंगी मैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश नेपाल की जो लंबाई है, उत्तर प्रदेश और नेपाल की जो कुल लंबाई है, टोटल लंबाई, वो कितनी है? 579 किलोमीटर। कितनी है? 579 किलोमीटर। ठीक है, समझ गए। अब आपको ये देखना है कि नेपाल से यूपी के कितने जिले टच होते हैं? सात होते हैं। कौन कौन से लिख देती हूँ, पीलीभीत, ये क्वेश्चन ना मेरे पेपर में भी आया था, उसने पूछा था, मतलब चार ऑप्शन दिए थे उसने कि कौन सा नेपाल की सीमा से, कौन सा जिला है जो नेपाल की सीमा को टच नहीं करता, तो एक ऑप्शन उसमें गलत था तो मैंने उस पर लगाया था। ठीक है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। अगर आप चीज़ों को जोड़ जोड़ के पढ़ोगे तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, ये सब कुछ अगर आप जोड़ जोड़ के पढ़ोगे तो आप कुछ भी नहीं भूल पाओगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका सेशन है, लेकिन अभी हम परिचय में ही थोड़ा थोड़ा करके इन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमें पता रहे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। ठीक है, ये सब कुछ तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी गंगा, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो बहने वाली है वो यमुना है, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा जैसी नदियाँ उत्तर प्रदेश में बहती हैं। ठीक है, समझ गए। अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में, कौन सी नदी के बारे में? गंगा नदी के बारे में। ठीक है, यूपी की सबसे लंबी, देखिए सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। ठीक है, हो गया याद, यूपी की सबसे लंबी जो नदी है वो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई है 2525
किलोमीटर। चलिए अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो गंगा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है और कहाँ से होता है। चलिए बता देते हैं, भागीरथी के, ठीक है अच्छी तरीके से पढ़ना, भागीरथी के रूप में, भागीरथी के रूप में उत्तराखंड के केदारनाथ के निकट स्थित गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। ठीक है, कोष्टक में लिख दिया है मैंने, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इसका उद्गम होता है। एक बार फिर से अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए आप, भागीरथी के रूप में, मतलब गंगा नाम के रूप में नहीं, भागीरथी के रूप में, ठीक है, भागीरथी के रूप में गंगा का जो उद्गम होता है वो किसके रूप में, भागीरथी के रूप में। ठीक है, उत्तराखंड के केदारनाथ के निकट, उत्तराखंड के केदारनाथ के निकट स्थित गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से होता है। ठीक है, गोमुख नामक स्थान से होता है। चलिए गंगा का जो अन्य नाम है वो क्या क्या है, जाह्नवी, सुरसरी, देवनदी, पद्मा। ठीक है, जाह्नवी, सुरसरी, देवनदी, पद्मा, ये गंगा के हो गए पर्यायवाची। ठीक है, ये गंगा के अन्य नाम हैं। अब आपसे पूछ लिया जाएगा, यूपी में गंगा नदी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। अब आपसे ये पूछा जाएगा, यूपी में जो गंगा नदी है किस जिले से प्रवेश करती है, तो आप बता दोगे बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी और पौराणिक सरस्वती से संगम कहाँ होता है, प्रयागराज में ही तो होता है, प्रयाग में ही तो होता है, इलाहाबाद में ही तो होता है। तीनों नदियों का संगम स्थल क्या है, इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक है, समझ गए। अब आपसे पूछेगा, उत्तर प्रदेश के बाद गंगा नदी, बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद जो गंगा नदी जाती है वो बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हुए, ठीक है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से प्रवेश करती है। ठीक है, जैसे कि जो हमारी गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, तो बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश जाती है, किस नाम से, गंगा नाम से नहीं, पद्मा, वहाँ इसका नाम चेंज हो जाता है पद्मा। ठीक है, पद्मा के नाम से प्रवेश करती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के बाद जो आपकी गंगा नदी है वो बिहार और पश्चिम बंगाल से जाने के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है पद्मा नाम से। ठीक है, पद्मा नाम से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश के बाद गंगा नदी, बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में पद्मा नाम से प्रवेश करती है, और मेघना नदी से मिलने के बाद गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, पद्मा नदी मेघना नदी में मिलने के बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, समझ गए ना, पद्मा नदी और मेघना नदी दोनों मिल जाती हैं और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यमुना नदी के बारे में। अभी हमने गंगा नदी के बारे में पढ़ा, उसकी लंबाई कितनी थी, 2525 किलोमीटर। ठीक है, यूपी की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी यमुना नदी है। कौन सी है, यमुना नदी, पहली गंगा नदी है। ठीक है, जिसकी जो कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी का जो उद्गम है, यमुना नदी का उद्गम कैसे होता है और यूपी में किस जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, इसका जो उद्गम है उत्तराखंड के उत्तरकाशी नामक स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। ठीक है, अब बात आ गई उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है, तो ये सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक
स्थान पर प्रवेश करती है? कौन सी नदी? यमुना नदी। ठीक है, समझ गए अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यूपी जीके हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम कम पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू कोई चीज़ पढ़ोगे तो वो आपके दिमाग में भी रहेगी। और जो सेशन मैं आपको क्लास दो में आपको कल कराऊंगी, मैं पूरी उम्मीद के साथ आप लोगों से कह रही हूँ कि अगर आप क्लास दो लें तो उससे पहले क्लास एक का आप रिवीजन अवश्य करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे इसको आप भूल जाएंगे, भले ही आपने याद किया हो, समझा हो, कुछ भी किया हो, बिना रिवीजन के कुछ नहीं है। हमें रिवीजन करना है क्लास दो, फिर आपकी क्लास दो भी हो जाएगी। जब आप क्लास तीन लें तो क्लास एक और क्लास दो का रिवीजन कर लें, क्योंकि रिवीजन से ये होता है कि वो चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं। ठीक है, समझ गए ना? वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेशन में बताइएगा। और आपकी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास डेली अपलोड होगी। ठीक है, और आज रात 8:30 बजे मैं आपको इन प्रश्नों को पूछूंगी, तो अच्छी तरीके से एक बार रिवीजन करके आएँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।